क्या होगा अगर कोई इंसान 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है तो किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं ब्रह्मचर्य रक्षा करने से, और क्या क्या होगा अगर कोई इंसान 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है उसको कैसा महसूस होगा, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। देखो, कुछ लोग कहेंगे कि ब्रह्मचर्य नाश करने से कोई दिक्कत उनको नहीं आती है, आज नहीं तो कल आप समझ ही जाओगे कि ब्रह्मचर्य क्यों ज़रूरी है। आप अगर विज्ञान की सुनते हो तो विज्ञान भी यही चीज़ कहती है कि जिस चीज़ को आप बहा रहे हो उसको बनने में समय लगता है। जो चीज़ को बहा रहे हो ना उसका शरीर में बहुत ज़्यादा महत्व है, ये एक मूल्यवान धातु है। जिस खाने को आप खा रहे हो उसका पहले रस बनता है शरीर में, 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है, फिर 5 दिन बाद जाकर मांस बनता है, उसके बाद 5-5 दिन के अंतराल में मेद, फिर मेद से हड्डी, फिर हड्डी के बाद मज्जा बनता है, फिर मज्जा के अंत में कहीं जाकर वो चीज़ बनती है जिसको लोग बहाने में अपनी वीरता समझते हैं। खैर छोड़ो, जाने दो, एक ना एक दिन उनको समझ ही जाना है कि ब्रह्मचर्य आखिर में होता क्या है, कितनी ताकत है ब्रह्मचर्य में, आज पता लगाएंगे। अब ध्यान से सुनो क्या होगा जो इंसान ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है 30 दिनों तक। पहले तो 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस इंसान ने लगातार ब्रह्मचर्य नाश किया है उसके लिए अपने आप में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक बहुत ही उत्तम बात है। ब्रह्मचर्य एक छोटा शब्द है लेकिन इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके फ़ायदे के बारे में। देखो, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात विज्ञान भी कहती है कि जिस चीज़ को लोग बहाते हैं उसको बनने में तो टाइम लगता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, जिस चीज़ को बहाते हैं कुछ समझदार लोग उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो आपके शरीर को और भी ज़्यादा तगड़ा बनाते हैं। 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है, स्टैमिना बढ़ता है उस इंसान का जिसने 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन कर लिया। उस इंसान से लोग आकर्षित होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होता है और उसका जो स्टैमिना है वो बाकी लोगों के तुलना में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इंसान ब्रह्मचर्य पालन करेगा ना उसको दूर से ही आप देखकर बोल लोगे कि हाँ, ये इंसान ब्रह्मचर्य रक्षा कर रहा है। जिस इंसान ने भी ब्रह्मचर्य पालन कर लिया ना उसके अंदर आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। देखो, अगर ब्रह्मचर्य का पालन कोई कर लेता है 30 दिनों तक तो उसके अंदर एक संयम की सृष्टि होगी, एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न होगा जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरी ने ओज कहा है। अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। चेहरे पर तेज आएगा, वाणी में बल आएगा। अगर आपको जानना है चेहरे पर चमक कैसे लाएं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लेना एक बार। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप वो वीडियो देख लेना, वाणी में बल नज़र आएगा। जिस इंसान ने भी ब्रह्मचर्य पालन किया उसके आवाज़ में दम होगा, कार्य में उत्साह अपने आप नज़र आएगा और वो कभी हताश नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएगा। देखो, अगर किसी ने भी ब्रह्मचर्य पालन कर लिया 30 दिनों तक तो यही 30 दिन हैं जो डिसाइड करेंगे कि वो ब्रह्मचर्य पालन लंबे समय तक कर पाएगा या नहीं। क्या वो लंबे रेस का घोड़ा बनेगा, इसका जवाब उसको मिलेगा। क्योंकि जिस इंसान ने ब्रह्मचर्य पालन किया क्या उसने पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ किया? अगर ऐसा है तो उसको वो सारे फायदे मिलेंगे जो मैंने आपको बताए। लेकिन अगर मान लो किसी ने सहारा नहीं लिया, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करी थी कि सहारा होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं, आप भूल चुके हो सहारा क्या होता है, तो मैं फिर से याद दिला दूँ। सहारा का मतलब होता है कि आप खाली ना बैठो, अपनी ऊर्जा को कहीं पर इस्तेमाल करो। लेकिन जो इंसान ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा ना, अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं करेगा सही जगह पर, तो उसको ये सारे फायदे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का लाभ अगर आपको अच्छे तरीके से उठाना है और आपको ये सारे फायदे चाहिए, आकर्षण बोलो, चेहरे पर चमक बोलो, बल बोलो और बुद्धि बोलो, चेहरे पर चमक, ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप मेहनत करोगे और अपने ऊपर काम कर पाओगे, और ब्रह्मचर्य आपकी इसमें बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, आपका ध्यान कहीं भी भटकेगा नहीं। और आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आपको चेहरे पर चमक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप अभी जाकर वहाँ देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।